तर्जमा आप हजरात इबारत पढ़ता हूँ। قال للنبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أغجرته بيومي إنك امرأ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفهم مما يغلبهم फ़ैन कल्लफ़्तुमूहुम फ़अअईनूहुम। तो ये ईमानियात में से बाब है, बाब के तहत तर्जमा सुन लीजिए। हदीस का तर्जमा जिक्र कर रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु से बयान किया। हुआ ये था कि अपने वो ग़ुलाम को उन्होंने माँ की कुछ गाली दे दी थी, खादिम माँ की तरफ से आर दिलाई थी। तो हुजूर ने फरमाया, देखो ये जाहिलियत के तरीक़े में से है, ये जाहिलियत का तरीक़ा है, इस तरह ना करना। तरबियत देना था, इब्तदाई दौर था, तरबियत देना था। ग़ुलाम थे, बोल तो दिया उन्होंने, तरबियत देना था। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बयान किया। फिर बयान करने के बाद तीन बातें बयान की। देखो अल्लाह सुबहान व तआला तुम्हारे मातहत कुछ लोगों को रखता है, यानी मतलब ये है कि तुम्हारे खादिम होते हैं, तुम्हारे नौकर होते हैं, तुम्हारे ग़ुलाम होते हैं, तुम्हारे पास आने जाने वाले रहते हैं, तुम्हारे मातहत जो रहते हैं, चंद लोग होते हैं। तो तुम क्या करो, जो तुम खाते हो वही खिलाओ, जो तुम खा रहे हो वही खिलाओ, और जो तुम पहनते हो वो पहनाओ, और तुम उन पर इतना बोझ ना डालो कि वो बोझ उठा ना सके। हाँ, अगर इतना बोझ डालते हो फ़ैन कल्लफ़्तुमूहुम फ़अअईनूहुम, तो तुम उनकी क्या करो, इतना बोझ डाल रहे हो तो उनकी मदद करो। ये तर्जमा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहले माँ का आर न दिलाना। अब गाली देते हैं, एक हदीस में आता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हे लोगो देखो तुम अपने माँ बाप को गाली न देना। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह कोई ऐसा शख्स है अपने माँ बाप को गाली देगा? या रसूल अल्लाह मुमकिन है ऐसे कि कोई अपने माँ बाप को गाली दे? तो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ मुमकिन है। वो कैसे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो इस तरह कि अगर तुम किसी के माँ बाप को गाली देते हो तो फौरन वो क्या करता है, तुम्हारे माँ बाप को गाली दे रहा है। सबब कौन बने? तुम उसके माँ बाप को गाली देने की वजह से सामने वाला तुम्हारे माँ बाप को गाली दे रहा है, सामने वाला तुम्हारे माँ बाप को गाली दे रहा है, तुम सबब बन रहे हो गाली देने के लिए। तो इस तरह किसी के माँ बाप को गाली ना देना। हम आसानी से, यहां तो मामला अजीब सा हो गया है, मामला ऐसा हो गया कि हर लफ्ज पर माँ के सिवा और कोई जुमला नहीं निकलता। नौजवान तरबियत, माँ और बाप, माँ फला माँ फला बाप फला बाप फला माँ, अफसोस की बात है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जाहिलियत में से है, जाहिलियत के दौर में से है, जाहिलाना तरीका है। और हर जुमला हमारा अगर निकलता है, नौजवानों में बैठे हुए होते हैं तो माँ और बाप के सिवा और कोई कलीमा नहीं निकलता। दिन में हज़ारों कलीमात हम सुनते हैं ऐसे, दिन में हज़ारों कलीमात। वो आएगा वो उनवान तो इंशाल्लाह उसको बताएंगे हम, यहाँ ज़िम्न ना आया तो बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जहन में रख लो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो तुम खाते हो वो खिलाओ अपने ग़ुलामों को, अपने खादिमों को, अपने नौकरों को। अमूमन ऐसा होता है क्या, देख लें अपन, अगर ऐसा हो रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़ी बात है। आप जो खा रहे हैं अपने साथ, अपने भाई को खिला रहे हैं, अपने नौकर को खिला रहे हैं, अपने मातहत को खिला रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। नहीं, अगर आप अच्छा खा रहे हैं जला हुआ उसे दे रहे हैं, आप अच्छा खा रहे हैं उतरा हुआ उसे दे रहे हैं, आप अच्छा खा रहे हैं बासी उसे दे रहे हैं, तो समझ लो कि यहाँ ईमान की कमजोरी है, समझ लो कि ईमान की कमजोरी है, ईमान की कमजोरी है।